भैया मेरा बच्चा चला जाएगा तो हम लोग के ऊपर क्या बीतेगी, हम लोग तो जीते जी मर जाएंगे। क्योंकि हमने बहुत से डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी बता दिया कि बच्चे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मतलब करा लो ऑपरेशन। दरअसल ये जब हुआ था तो ये मतलब कुछ दिन तक ठीक ठाक था, उसके बाद ये अचानक से बीमार पड़ गया। फिर इसको जनसेवा में भर्ती किए थे, वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने बताया इसके हार्ट में छेद है। और दिक्कत जो है, ज़्यादा दौड़ता फिरता है तो अपने छूटते और अचानक से बीमार हो जाता है रात रात बिरात में। और समझ लो हर गली एक हफ्ता भी नहीं बीतता, अचानक से कितने समय तबीयत खराब हो जाए उसकी पता ही नहीं चलता। दौड़ भाग जैसे दौड़ता भागता है तो हाथ पैर इसके नीले पड़ जाते हैं, ऐठन टाइम मारने लगते हैं। वहाँ से ऑपरेशन के लिए लिखे थे पर ऑपरेशन हमने नहीं कराया क्योंकि हमारी इतनी स्थिति है ही नहीं कि हम ऑपरेशन करा पाए बच्चे का। अपने घर का तो हम खर्चा चला ही नहीं पाते हैं, 200-250 रुपये हमारे हस्बैंड कमाते हैं, वो उसमें घर का खर्चा चला ले वही बहुत है। दिक्कत यही है सर कि जो है जितना हम कम बजट ही नहीं बन पाता है कि उसमें हम खर्चा चलाएं कि जो है हम बच्चे का इलाज करवा पाएं। आपसे निवेदन है, मेरे बच्चे को हार्ट में प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे के लिए सहयोग करिए क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अगर जस्ट जस्ट टाइम बीतता जाएगा बच्चा हाथ से निकलता जाएगा, तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारा बच्चा हाथ से जाए। तो इस वजह से आपसे बस इतना निवेदन है कि हमारी मदद कीजिए, हमारे बच्चे के लिए मतलब प्रार्थना कीजिए और सहयोग करिए।